बसमिल डियर स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं हमारे एग्ज़ामिनेशन सिस्टम में तीन तरह के सवाल आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस और एम सी क्यूज़ हम अपने मौजूदा लेक्चर में और आइंदा आने वाले लेक्चर में इन तीनों तरह के सवालत को डिस्कस करेंगे हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री क्लास टेन का चैप्टर नंबर नाइन जिसका नाम है केमिकल एक्विलिब्रियम सबसे पहला सवाल जो हमें आ सकता है वो है रिएक्टेंट की डेफिनेशन डिफाइन रिएक्टेंट ये डेफिनेशन आपकी स्टार्ट होगी इन न केमिकल रिएक्शन से लेकर रिएक्टेंट्स तक नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको पेपर में आ सकता है वो है प्रोडक्ट प्रोडक्ट की डेफिनेशन आपकी स्टार्ट होगी द न्यू सब्सटेंस से लेकर प्रोडक्ट तक यहाँ पर हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एग्जांपल दी गई है ये एग्जांपल हम करेंगे फॉर एग्जांपल से फॉर एग्जाम्पल से लेकर इक्वेशन तक ये सवाल आपको एक और तरीके से भी आ सकता है वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स तो आपने रिएक्टेंट की डेफिनेशन भी बतानी है प्रोडक्ट की डेफिनेशन भी बतानी है और एग्जांपल भी डिस्कस करनी है नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा इस पेज पर है वो है इरिवर्सिबल रिवर्सिबल रिएक्शन इरिवर्सिबल रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन हमारी स्टार्ट हो रही है मोस्ट ऑफ द रिएक्शन से यहाँ से लेकर इसकी डेफिनेशन आपने इरिवर्सिबल रिएक्शन तक लिखनी है नेक्स्ट जो एक और क्वेश्चन है जो हमें आ सकता है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इ रिवर्सिबल रिएक्शन या करैक्टेरिस्टिक्स ऑफ इरिवर्सिबल रिवर्सिबल रिएएक्शन ये आप लिखेंगे दे आर से लेकर प्रोडक्ट्स तक ये आपके पास इरिवर्सिबल रिवर्सिबल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज़ हैं नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपका है रिवर्सिबल रिएक्शन ये भी आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है और इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे रिएक्शंस इन विच द प्रोडक्ट से लेकर रिवर्सिबल रिएक्शन तक नेक्स्ट हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ बताई हुई हैं वो प्रॉपर्टीज़ हम दीज रिएक्शन नेवर गो टू कम्पलिशन से स्टार्ट करेंगे और कंडीशन तक करेंगे यहाँ पे कुछ हमारे एम भी हैं जो हमें पेपर में आ सकते हैं मिसाल के तौर पे इन्ना केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंसेस डेट कम्बाइन भी आ सकता है आर कार्ड रिएक्टेंट्स द न्यू सब्सटांसिस फॉर्म आर कार्ड प्रोडक्ट मोस्ट ऑफ द रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट आर कार्ड इवर्सिबल रिएक्शन ये आपके एमसी बन सकते हैं ये एमसीयूज बन सकता है इ रिवर्सिबल रिएक्शन आर स्पोज टू कम्प्लीट दे आर रिप्रजेंटेड बाय पुटिंग अंगल एरो नेक्स्ट जो आपके एम बन सकते हैं रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट्स कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कार्ड रिवर्सिबल रिएक्शन प्रॉपर्टीज जो हैं ये भी एज अ एम आपको पेपर में आ सकती हैं रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर गो टू कंप्लीशन दे आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स नेक्स्ट जो एम सी क्यूज बन सकता है वो ये है रिवर्सिबल एंड रिवर्स नेक्स्ट हम रिएक्शन पढ़ेंगे रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन ये क्वेश्चन हम लेटर से स्टार्ट करेंगे और इसमें हम टू रिएक्शंस के बारे में बताएंगे फॉरवर्ड रिएक्शंस और दूसरा रिएक्शन है रिवर्स रिएक्शन ये क्वेश्चन हम केमिकल इक्वेशन तक लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल एक्विलिब्रियम स्टेट ये एज अ शॉर्ट आपको पेपर में आ सकता है डिफाइन केमिकल एक्विलिब्रियम स्टेट या व्हाट इज़ मेंट बाय केमिकल एक्विलिब्रियम स्टेट ये डेफिनेशन आपकी स्टार्ट होगी व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन से लेकर केमिकल एक्विलिब्रियम स्टेट तक एक्लिब्रियम स्टेट की टू पॉसिबिलिटीज़ हैं नंबर वन स्टैटिक एक्लिब्रियम नंबर टू डायनामिक एक्लिब्रियम यह आपको एज अ शॉर्ट पेपर में पूछी जा सकती है डिफाइन स्टैटिक एक्लिब्रियम या व्हाट इज मेंट बाय स्टैटिक एक्लिब्रियम नेक्स्ट डायनामिक एक्ुलिब्रियम भी आपको एज अ शॉर्ट पेपर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन डिफाइन डायनामिक एक्ब्रियम या व्हाट इज मेंट बाय डायनामिक एक्लिब्रियम स्टैटिक एक्लिब्रियम की डेफिनेशन आपकी स्टार्ट होगी व्हेन रिएक्शन रियक्शन टू प्रोसीड से लेकर फिनोमिना तक यहाँ पे स्टैटिक एक्विलिब्रियम की एग्जाम्पल दी हुई है एग्जांपल आप स्टार्ट करेंगे फॉर एग्जाम्पल से लेकर स्टैटिक एक्विलिब्रियम तक डायनामिक एक्विलिब्रियम की डेफिनेशन स्टार्ट होगी व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप से लेकर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन तक अब यहाँ पे आपको कुछ एम सी क्यूज भी पेपर में आ सकते हैं मिसाल के तौर पे व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज द सेम एज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर्स रिमेन कॉन्स्टेंट इट इज कार्ड केमिकल एक्विलिब्रियम स्टेट देयर आर टू पॉसिबिलिटीज ऑफ एक्विलिब्रियम स्टेट एक एक्विलिब्रियम भी आपको एज एम सी यू पेपर में आ सकता है वेन रिएक्शन सीज इज टू परोसीड इट इज कार्ड स्टैटिक एक्विलिब्रियम जो आपको एमसी गुजार सकता है वो है डायनामिक मीन्स रिएक्शन इज स्टिल कॉन्टिन्यूइंग एट डायनामिक एक्विलिब्रियम स्टेट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन